अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। महागामा विधानसभा क्षेत्र के आज के इस चुनाव में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और लगातार यहां से विधायक बन रहे श्री अशोक कुमार भगत जी, पूर्व सांसद श्री अनिल यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, संयोजक विधानसभा कुंवर गोपाल कृष्ण सिंह जी, मंडल अध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, अजय कुमार साहा जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित इस क्षेत्र के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप लोग भट्टा मुट्टी मत करिए, थोड़ा पीछे पीछे चले जाइए, हर व्यक्ति एक 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 कदम पीछे थोड़ा चले जाइए, एक एक कदम पीछे आप जाएंगे, धक्का नहीं देंगे तो आराम से बोलने में मुझे भी मदद मिलेगी। सहमत है? थोड़ा एक एक कदम पीछे चले जाइए सभी लोग, पीछे से और पीछे और पीछे। भाइयों बहनों, आज इस देश के अंदर हर व्यक्ति को जय श्री राम बोलने का आनंद की अनुभूति हो रही है, इसलिए क्योंकि दिल्ली में मोदी जी हैं और यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यही कारण है आपकी आस्था को सम्मान देने का कार्य देश और दुनिया में हो पा रहा है। कल्पना करिए, जब केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी, तब राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, तब अयोध्या में जाने पर प्रतिबंध लगता था, लेकिन आज हर राम भक्त अयोध्या आ सकता है, क्योंकि जब राम भक्तों की ही सरकार होगी तो सुरक्षा और सम्मान देने का कार्य भी सरकारें कर रही हैं। मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, आप सबकी उपस्थिति इस बात को प्रमाणित कर रही है कि आप सब ने पहले से ही तय कर लिया है किसी अशोक कुमार भगत को फिर से चौथी बार यहां से विधायक बना करके भेजना है, और ये होना भी चाहिए। भाइयों बहनों, कितना परिवर्तन आ गया है, कल्पना करिए, आज से 5 वर्ष पहले जब मई 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था, मोदी जी के सत्ता में आने के पहले और सत्ता में आने के बाद देश में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन जानने, देखने और समझने की आवश्यकता है, जिससे आप कांग्रेस के इन सहजादाओं को भी बता सकेंगे कि वास्तव में सत्ता का मतलब क्या होना चाहिए। याद करिए, मई 2014 के पहले इस देश के अंदर शासन की नीतियां बनती थी चेहरा देख करके, जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर,
क्षेत्र और भाषा के नाम पर योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिलता था, गरीबों के लिए आवास नहीं मिल पाता था, गरीबों के लिए शौचालय नहीं मिल पाता था, गरीबों को राशन कार्ड नहीं मिल पाता था, गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिल पाता था, गरीबों को विद्युत का कनेक्शन भी नहीं मिल पाता था, गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता था, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं थी, हर व्यक्ति तबाह था, परेशान था, सरकारें बेमानी और भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, चाहे वह केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार और उसको समर्थन देने वाली आरजेडी हो, चाहे वह अविभाजित बिहार के अंदर आरजेडी की सरकार रही हो और चाहे वह झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी की सरकारें रही हो, इन सब ने लूटा है, जनता के हकों पर डकैती डाला है, गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को विकास से वंचित किया है। लेकिन भाइयों बहनों, 2014 के बाद प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का आगमन इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए एक राम राज्य की आदर्श अवधारणा को सार्थक करता हुआ दिखाई दिया है। आप अनुमान करिए, 5 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल जाना और लक्ष्य तय कर दिया गया 2022 तक भारतीय जनता पार्टी हर गरीब को जिसके पास अपना मकान नहीं होगा प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का कार्य करेगी और यह कार्य पूरे देश के अंदर अब तक 4 करोड़ गरीबों को प्राप्त हुआ। जिन गरीबों के पास अपना शौचालय नहीं है उन गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने की कार्रवाई स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किया गया। 10 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराया गया। आजादी के बाद कांग्रेस ने सर्वाधिक समय तक देश के अंदर शासन किया लेकिन गरीब को विद्युत का कनेक्शन भी नहीं दे पाए और गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन भी नहीं दे पाए। मोदी जी ने 5 वर्ष में 4 करोड़ परिवारों को विद्युत का कनेक्शन और 8 करोड़ इन माताओं को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन देने का कार्य भी किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और यही नहीं भाइयों बहनों, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और 50 करोड़ गरीबों को स्वास्थ्य बीमा के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य भी किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आप याद करिए, एक तरफ गरीब के लिए समर्पित, किसान के लिए समर्पित, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध और भारत के विकास को दुनिया की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार है। चाहे वह केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो और चाहे वह झारखंड के अंदर श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व की सरकार हो, इन सभी सरकारों ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। 5 वर्ष गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित, देश के विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए समर्पित और आगामी 5 वर्ष इस देश की उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए समर्पित जो आजादी के बाद से ही हर भारतीय देखने की तमन्ना करता था। भाइयों बहनों, आप में से हर व्यक्ति जानता है इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ है कांग्रेस,
इस देश के अंदर बेमानी की जड़ है कांग्रेस, इस देश के अंदर गरीबों के हकों में डकैती डालने की जड़ है कांग्रेस, इस देश में नक्सलवाद और देश में आतंकवाद का कारण है कांग्रेस, इस देश में भाई भतीजेवाद का कारण है कांग्रेस, परिवारवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का कारण है कांग्रेस। और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं, जो कांग्रेस देश के विकास में बाधक है, उस कांग्रेस को और उसके सहयोगी आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और यही तो अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। अगर कांग्रेस इस देश के गरीबों के बारे में सोचती, किसानों के बारे में सोचती, महिलाओं के बारे में सोचती, नौजवानों के बारे में सोचती, तो वास्तव में भ्रष्टाचार नहीं पनपता, गरीबों का शोषण नहीं होता, कश्मीर में उग्रवाद और आतंकवाद नहीं पनपता। लेकिन मोदी जी आए, उन्होंने गरीबों का भी कल्याण किया और उन्होंने नौजवानों की नौकरी और रोजगार की व्यवस्था भी की, महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन देने का अभियान रहा हो, हर गरीब परिवार को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, ये कार्य तो किया ही। लेकिन आजादी के बाद 70 वर्षों से बेसब्री के साथ जिस कार्य का इंतजार था, वह था कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो, वो धारा 370 आतंकवाद की जड़ थी, निर्दोष लोग मारे जाते थे और पाकिस्तान प्रस्त तत्व इसका लाभ उठा करके देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते थे। और आज मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके कश्मीर के विकास को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। साथ ही साथ अगर झारखंड के लोग भी कश्मीर में जाकर के जमीन और मकान खरीदना चाहेंगे, आपको भाइयों बहनों ये अधिकार भी मोदी जी ने दे दिया है। कांग्रेस ने आपका अधिकार लिया, मोदी जी ने आपका अधिकार दिया। और यही नहीं, कांग्रेस तो आतंकवादी और नक्सलवादियों का समर्थन करती है, उनके लिए सुविधा देने की वकालत करती है। मोदी जी ने कहा कि नहीं, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, लेकिन कोई शरणार्थी पीड़ित और प्रताड़ित होकर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आया है, उसे भारत की नागरिकता देकर के भारत के अंदर सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य भी करेंगे। और 500 वर्षों से हर भारतीय की तमन्ना थी अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, इस मार्ग में बाधक कौन था? सबसे बड़ी बाधा थी कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सभी के सभी इस मार्ग में बाधक थे। जनता ने इन्हें किनारा किया और उधर भारत की उच्चतम न्यायालय के द्वारा फैसला दिया जाना कि अयोध्या में जहां रामलला विराजमान है, वहीं पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। और आज भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये भव्य मंदिर भगवान राम का, ये भारत का मंदिर है, भारत के गरीबों का, भारत के दलितों का, भारत के वनवासियों का, भारत के आदिवासियों का, हर भारत की उस अंतःकरण की विजय के रूप में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य अब अयोध्या में प्रारंभ होने जा रहा है। और यही आह्वान करने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। प्रभु राम तो सबके हैं,
उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कौन ऐसा भारतीय है और भारत के बाहर भी कौन ऐसा, दुनिया में मानवता के कल्याण का कौन ऐसा नागरिक है जिसके मन में दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग हो और वह राम का भक्त न हो। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, हम मामले को लटकाते नहीं, समस्या को समस्या के लिए नहीं छोड़ते, समस्या का समूल समाधान निकालने की दिशा में प्रयास करते हैं और यही कार्य हो रहे हैं। कभी कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके, कभी घुसपैठियों को बाहर करने और कभी शरणार्थियों को देश के अंदर नागरिकता देने और राम जन्मभूमि में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के इस कार्य को इसी दृष्टि से लेने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है और आज इसी भाव के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भैया बहनों, लोकतंत्र में जनता जनार्दन का स्वरूप होती है, जनता जनार्दन का स्वरूप है, इसके लिए जन भावनाओं के अनुरूप विकास की योजनाएं बननी चाहिए, विकास का लाभ गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को मिलना चाहिए। ये जो भाव है यह भाव इसीलिए जिससे हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सकती है और यही कारण है दुनिया के अंदर शासन व्यवस्था की सर्वोत्तम व्यवस्था का नाम राम राज्य कहलाया गया। राम राज्य जहां पर कोई भेदभाव न हो, जहां पर गरीब को शासन की सुविधा का लाभ मिल जाए, जहां पर हरेक व्यक्ति को शासन की सुविधाओं के साथ जोड़ करके उसके जीवन में कल्याण लाने का, उसके जीवन में उत्थान लाने का कार्य किया जा सके। और ये शासन का दायित्व बनता है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने, झारखंड में रघुवर दास जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और इसी कार्यक्रम में आप सबका सहयोग और समर्थन के लिए एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी आज आप सबके सामने यहां पर उपस्थित हुई है। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ये अपील करना चाहूंगा, 20 दिसंबर को आपको मतदान करना है, मतदान के माध्यम से आपको देश और दुनिया के अंदर एक संवाद के स्पष्ट रूप से इस बात का संदेश भेजना है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली पार्टी है और झारखंड में इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए और इसके लिए श्री अशोक कुमार भगत को यहां से हमें भारी मतों से कमल चुना चिन्ह पर चुना जिता करके भेजना है। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? सहमत हैं? अशोक कुमार भगत को चुनाव जीत करके जाना चाहिए। सभी लोग इधर 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 उधर छत में, इधर छतों के ऊपर, सभी लोग सहमत हैं? आप सब इस बात के लिए सहमत हैं ना कि कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का कार्य मोदी जी ने अच्छा किया, धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद को समाप्त कर दिया ना, आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। ये राहुल गांधी आतंकवाद का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आपने पूछा कांग्रेस के नेताओं से क्यों कांग्रेस आरजेडी झारखंड में मुक्ति मोर्चा आतंकवाद का समर्थन कर रही है? अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। सभी लोग सहमत है? सभी लोग हाथ उठाकर बोलो, अयोध्या में होना चाहिए। दोनों हाथ उठाकर के बोलोगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम।
बहुत